नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रेडिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप कोजियल केबल में कनेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों डिश एंटीना के वायर में कैसे आप कनेक्टर को बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डीडी फ्रेडिस या डिश टीवी या किसी भी कंपनी का डीटीएस सेटअप बॉक्स हो तो दोस्तों उसमें एंटीना जरूर लगा होगा और उस एंटीने में दोस्तों केबल जरूर लगा होगा और उस केबल को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक कनेक्टर की जरूरत होगी और ये कनेक्टर आपके सेटअप बॉक्स और आपके एलएनबी में दोस्तों लगता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ केबल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्टर में, यानी कोजियल केबल को कैसे कनेक्ट किया जाए कनेक्टर से, इसकी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, साथ ही दोस्तों ये वीडियो YouTube पे सबसे अलग होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप पा सकते हैं फुल HD सेटअप बॉक्स हमारे YouTube चैनल के जरिए। बस दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें दोस्तों लाइक, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें। शेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। दोस्तों ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास जो केबल होगा वो RJ6 होगा, उससे भी पतला केबल आता है कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर में कनेक्टर को कैसे लगाते हैं। दोस्तों घर में आप जब कनेक्टर को लगाते हैं तो आपके पास चाकू होता है, चाकू से आप कनेक्टर को छील देते हैं कुछ इस प्रकार से। आप उल्टा सीधा जैसा भी हो कनेक्टर को आपने ऐसे छील दिया, थोड़ा सा आगे आपने नोक भी बना दिया जैसे पेंसिल छीली जाती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपने छील दिया। और आप जाके मार्केट से दोस्तों या तो ये वाला जो कनेक्टर है आप इसमें इसे घुसा देते हो तो भी दोस्तों आपका सेटअप बॉक्स डेड होने का 100% चांस होता है। और जब आपका सेटअप बॉक्स बिगड़ जाता है, टेक्नीशियन आता है, सेटअप बॉक्स भी बनाता है, एंटीना के वायर के कनेक्टर को भी बदलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके चला जाता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका कनेक्टर आप इसमें लगा देते हैं। वहीं भी दोस्तों मार्केट में भी कुछ इस प्रकार के कनेक्टर आते हैं, इसको भी किसी तरह दाब वगैरह दाब के आप लगा देते हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, आप देख सकते हैं कनेक्ट जो ये वायर होता है इसमें बाल टाइप में आपको इसमें तार निकले होते हैं, जो ये केबल होता है इसमें तार निकले होते हैं। और ये वाले जो तार होते हैं जो ये मेन जो पॉइंट होता है इसमें जाके अगर फंस जाते हैं, आप सेटअप बॉक्स में लगा देते हैं इसे, आपका सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई उड़ जाती है। अगर डीडी फ्रेडिस का है, अगर आपका किसी और कंपनी का है तो दोस्तों उसका भी कार्ड ख़राब हो सकता है। और इसमें दोस्तों आपका कार्ड भी ख़राब होता है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया तरीका कि कैसे आप कनेक्टर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बहुत पतले पतले वायर होते हैं दोस्तों, ये वायर होते हैं और यही वायर दोस्तों जाके एक दूसरे में जब चिपक जाते हैं तो आपका जो सेटअप बॉक्स है वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसको मैं काटने के लिए ये आपको कुछ इस प्रकार से एकदम नीचे तक दबाना है चाकू से, ये देखिए आप लोग। अगर आपके पास लोकल मार्केट से कनेक्टर लाते हैं कुछ इस प्रकार से आप दबा के इसको अच्छी तरीके से चाकू से काटते हैं, ये आराम से ये निकल जाता है। कुछ एक वायर पुराने होते हैं थोड़ा सा जाम हो जाता है, तो उसी को अगर आप माचिस की तिल्ली से जला के हल्का सा गर्म कर देते हैं तो भी ये निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है कनेक्टर वायर है हमारा, जो केबल है ये देख सकते हैं ये केबल है। और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ये साफ़ हुआ है, अगर नहीं साफ हुआ है तो थोड़ा सा आप ऐसे 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 करके आप इसे साफ़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बड़ी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कोई भी तार, अगर तार ये बाल बराबर भी यहाँ पे अगर ये फंस गया यहाँ पे तो आपका सेटअप बॉक्स डेड हो जाएगा। अब दोस्तों मार्केट से आपको कनेक्टर लाना है, आपके पास कोई मशीन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ये देख सकते हैं, ये आपको ये वाला कनेक्टर लाना है, 203 रुपये का मिलेगा, हद से हद 5 रुपये का मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का ये होगा। और इसको इसमें आपको डालना है, कभी कभी कोई वायर पतले होते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको माचिस की तीली लेना है, जलाना है, हल्का सा गर्म करना है, ये इसको फैल जाएगा। और ये देखिए ये हमारे पास अंदर आ रहा है, ये देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ
ये देखिए मैं यहाँ पे रखूँगा इसे और इसको मैं यहाँ पे ऐसे दाब दूँगा, ये आ गया और ये बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अंदर आप लोग देख सकते हैं इसके एकदम साफ़ है और ये केबल कभी शॉर्ट नहीं होगा। आराम से आप प्लास से लीजिए इसे, प्लास तो घर में हर एक घर में होता है, और उसके बाद से इसे आप दाब दीजिए। कभी कभी ये टूट भी जाता है, अगर इससे नहीं होता है तो आप इसी एंटीने के वायर को हल्का सा पीछे से यहाँ से इसको काट लीजिए। ये देखिए मैंने इतना काट लिया है इसे, ये देखिए इतना मैंने काट लिया है और इस वायर को मैं यहाँ से निकालूँगा। ये देख सकते हैं ये वायर हमारे पास निकल चुका है और इसी वायर को दोस्तों हमें इसमें कुछ इस प्रकार से इसे प्लास के माध्यम से इसे हमें टाइट कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास अच्छी तरीके से ये टाइट हो चुका है, अब ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है। और इसको नोक मत छोड़िएगा, नहीं तो नोक हाथ में गड़ जाएगा, या लगाइएगा थोड़ा सा बड़ी आराम से आप इसे लगाइएगा। तो इसे आप टाइट कर दीजिए, अच्छी तरीके से इसको साफ कर दीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ी आसानी के साथ ये लग गया। अब दोस्तों इंजॉय कीजिए आप अपने फेवरेट टीवी चैनल्स का, आपका सेटअप बॉक्स कभी नहीं डेट होगा अगर आप इस तरीके से कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं कोजियल केबल में। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप पा सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए फुल HD सेटअप बॉक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।